घर कितना प्रिटी है ना, मुझे पता था तुझे पसंद आएगा। हाँ दीदी, लेकिन जो आपने फोटो भेजा था ना, उसमें घर नॉर्मल जैसा लग रहा था, इसमें तो और प्रिटी लग रहा है। और आपको पता है दीदी, मेरा जो नॉवेल है ना हॉरर वाला, उसकी स्टोरी के मुताबिक ना एकदम सेम डिस्क्रिप्शन मैच करता है। थैंक यू यार, मुझे पता था अब इतना दूर आ रहे हैं, मम्मी पापा ने इतना दूर भेजा है पढ़ाई करने के लिए, तो कोई अच्छी जगह रहेगी रहने के लिए, तो फिर मन भी लगेगा ना पढ़ाई में। लेकिन दीदी ये जगह एक्सपेंसिव नहीं होगी? मतलब मुंबई में इतना बड़ा घर एक्सपेंसिव तो होगा ही। देख मुंबई महंगा तो रहता है, लेकिन ये घर हमें सस्ते में मिल गया। हाँ क्यों? अरे ये घर ना काफी सालों से खाली पड़ा था, ब्रोकर ने कहा कि जो ओनर है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, और जो भी लोग यहाँ पे रहना आते हैं कहते हैं कि एक साल रहेंगे लेकिन बस एक हफ्ता रहता है, तो इसलिए रेंट थोड़ा लो ही रखा है। तो एकदम सेम वैसा ही है। वैसा किसके जैसा? किसी के जैसा नहीं दीदी, लेकिन क्यों कोई नहीं टिकता था एक हफ्ते से ज्यादा? वो मैंने ब्रोकर से पूछा नहीं। दीदी कहीं ये घर हॉन्टेड तो नहीं है? अभी कौन कॉल कर रहा है? आज ही तो घर आए हम। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे थोड़ी भूत कॉल करेगा क्या पता दीदी, टेक्नोलॉजी के साथ हम एडवांस हो गए, तो क्या पता भूत भी एडवांस हो गए हो। तो यार तू खुद भी डरती मुझे भी डराती है पागल। हेलो दीदी, किसका फोन था? अनु। हाँ भूत का फोन था। भूत का? मेरे को पता था ये घर से ही नहीं। चलो दीदी सूटकेस ले लिए निकलते हैं अभी, वैसे भी नहीं मैंने पाया। अबे स्टूपिड, अननोन नंबर था, कोई मार के मैं पूछ रहा था, गलत नंबर लग गया था। अच्छा चलो फ्रेश हो जाते हैं, पहले दिन ही ड्रामा शुरू कर देती है। ओ गाइस, अब यास्तु के अपना बाल की झाड़ी आधी रात को। अब बात यह है कि मेरा ना कॉलेज का फर्स्ट डे है कल। अब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आप जानते हो कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, तो मैंने एक नया आई शेडो पैलेट ऑर्डर किया NYBAE का। तो मैंने बोला क्यों ना इसे ट्राई कर ले एंड फिर देखे कल कौन सा लुक के लिए जाना है। तो मैंने लिया है NYBAE का 36 शेड आई शेडो पैलेट। सो इसमें ईच शेड जो है 36 रुपीज़ का, एंड इसका टोटल MRP है 1299 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी पैकेजिंग है। इट्स गॉट लाइक अ बुक काइंड ऑफ थिंग, बुक की तरह खुलता है ये। एंड इसका ना AM to PM लुक है, तो इट इज़ सुपर पिगमेंटेड एंड रियली ब्लेंडेबल। इसमें 18 शिमर शेड्स है एंड 18 मैच शेड्स है, तो जो भी आपको लुक के साथ जाना है आप वो डाल सकते हैं। एंड देख सकते हो आप कितनी वैरायटी है, लाइक 36 शेड्स। एंड इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। इट इज़ ट्रैवल फ्रेंडली कॉम्पैक्ट पैकेजिंग एंड लाइट वेट भी है। तो चलो मैं लगाती हूँ, मैं सोच रही हूँ एक स्मोकी आई मेकअप लुक ट्राई करती हूँ, बिकॉज आई बी वेयरिंग ब्लैक, तो ब्लैक पर स्मोकी आई अच्छा लगता है। तो लेट्स ट्राई इट। तो चलो अभी लगाते हैं। सबसे पहले इनर आई कॉर्नर में ब्लैक लगाऊंगी। तो गाइस आप देख सकते हो मेकअप लुक कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो थोड़ा सा लाइट मेकअप भी, क्योंकि कॉलेज है एंड हर रोज सुबह उठ के इतना हैवी मेकअप करने के लिए टाइम थोड़ी है। लेकिन आपको थोड़ा सा हैवी मेकअप ट्राई करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है। आप नीचे जो यहाँ पे है डार्क शेड लगाइए, देन मिड में मिड शेड लगाइए, एंड यहाँ पे लाइटर शेड, एंड यहाँ पे हाईलाइटर, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। एंड मैं आपको डेफिनेटली NYBAE का ये 36 शेड आई शैडो पैलेट डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन परचेज इट। चलो मैं चलती हूँ।
यार भूख लग रही है, चलो डिनर कर लेती हूँ। हाँ अनु को ही बुला लेती हूँ। शायद वॉशरूम में होगी। अनु 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 सुन, मैं भी डिनर करने जा रही हूँ, तो मैं सोचा तुझसे भी पूछ लूँ, तूने डिनर किया क्या? अगर नहीं किया तो हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं। अनु अनु मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है, अपना लंच कर लेना टाइम से और पानी पीते रहना, ठीक है? बाय बाय। Thank you.
हेलो हेलो, कौन है? अनु। हाँ मम्मा, दीदी क्या आप हो? वेरोनिका मेंडिस से बात करनी है। वेरोनिका मेंडिस? हमारे घर में कोई वेरोनिका मेंडिस नहीं है। गलत है? वो वही है, लेकिन यकीनन तुम उसे देख नहीं पा रही हो। देख नहीं पा रहे मतलब? क्योंकि वो भर चुकी है। मर चुकी है? दीदी को कॉल करती हूँ, बिजी बता रहा है, लगता है दीदी क्लास में होगी। काम कैसे? मम्मा को कॉल करती हूँ। क्योंकि वो नहीं, मम्मा को नहीं कॉल कर सकती, वो ऑलरेडी इतना दूर रहती है, बेकार में डर जाएगी। क्या करूँ, ये सब क्या हो रहा है आज? वेरोनिका मर गई, क्या है ये? एक सेकेंड, ये तो प्रैंक कॉल भी हो सकता है, रॉन्ग नंबर भी हो सकता है। नहीं, लेकिन फिर उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? क्या हो रहा है सब? वेरोनिका मर गई है, कौन है? एक काम करती हूँ, मैं अभी घर से बाहर चली जाती हूँ, बाद में शाम को दीदी से बात कर लूँगी और हम दोनों घर छोड़ के चले जाएंगे। तो यही रीज़न था कि ये घर इतने लंबे टाइम से खाली था। मैं अभी ही निकल जाती हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? दीदी मैं बहुत डर गई थी। तुम भी ना बेकार में डर जाती हो। अच्छा चलो बताओ क्या हुआ। ये लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ। दीदी मुझे ना अचानक से रोने की आवाज आने लगी, मैं बहुत डर गई, देखा तो कोई नहीं था, फिर वापस रोने की आवाज़ आने लगी, मैं तो डर के मारे भागने लगी। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा था। कहाँ से आ रही थी आवाज़? ये वाले वॉशरूम से। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे दीदी अब जाकर
कोई नहीं था, बिल्डिंग कनेक्टेड है ना, तो इसलिए पड़ोस से आवाज़ आई होगी और गूंज रही होगी, ज़्यादा सोचो मत। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, मैं भी ना बेकार में डर गई, भूत वो थोड़ी कुछ होता है। दीदी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मुझे लगा कॉलर से तुम डर गई होगी इसलिए। हाँ दीदी डर तो बहुत ही गई थी, पता नहीं वो कॉलर क्या बोल रहा था, वेरोनिका मर गए मतलब क्या। एक मैंने तो दीदी को अभी तक नहीं बताया कॉलर के बारे में, उन्हें कैसे पता चला? दीदी मैंने तो आपको अभी तक नहीं बताया था कॉल के बारे में, आपको कैसे पता चला? तुम कौन हो? मैं वेरोनिका मेंडेस हूँ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? वो चाबी निकाल दे। के जा रही थी, दीदी उसके आगे मुझे कुछ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना कुछ दिन के लिए मम्मी को बुला देती हूँ, वो तेरा ध्यान रखेंगी। ठीक है दीदी। पता नहीं दीदी, यार तुझे पसीना भी आ रहा है, तेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं मम्मी को कॉल कर देती हूँ, तू जा थोड़ा आराम कर। ठीक है दीदी। ये लो सो जाओ, एंड कुछ भी चीज की जरूरत रहेगी तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। एंड मैंने मम्मी से भी बात कर ली, कुछ दिन में वो भी आ जाएंगी, एंड ज़्यादा ध्यान रखेंगी। ठीक है? ठीक है दीदी। चलो गुड नाइट। ठीक है गुड नाइट दीदी। अचानक से टेलीफोन बजता है, वेरोनिका डर जाती है, वो टेलीफोन को उठाने जाती है, फिर अचानक से वॉशरूम से एक आवाज आती है, रोने की आवाज आती है।
वेरोनिका चौंक जाती है। वेरोनिका को अपनी बहन पे शक होता है, वो जाती है, डरते हुए अपनी बहन से पूछती है, लेकिन जब बहन मुड़ती है पीछे, वो उसकी बहन नहीं रहती,